हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल में फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। अभी भी 31 जुलाई 2019 को पूछा गया है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग मीन, यानी कि सिंगल स्ट्रोक लेटर मीन किसे आप क्या समझते हैं। और सिंगल स्ट्रोक लेटर का आंसर रहेगा बी, यानी कि यूनिफॉर्म मिटी इन लेटर आर ऑब्टेन इन वन स्ट्रोक ऑफ पेंसिल। क्वेश्चन सेकंड है, इन मोटर बाइंडिंग मटेरियल इज, तो मोटर में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा है, तो इसमें आंसर रहेगा सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ थर्ड क्लास ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 4, पोजोलोना कंटेन, यानी कि पोजोलोना में क्या क्या होता है, तो आंसर सी आएगा, ए एंड बी, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों। क्वेश्चन 5, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट्स थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट इन, तो इसमें सी रहेगा, थ्री डायमेंशन। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ पोर्सेलिन, यानी कि चिनाई माटी का गुणधर्म क्या है, तो उसमें आएगा सी, वाइट रस। क्वेश्चन 7, प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम, यानी कि प्लाईवुड किससे बनता है, तो उसका आंसर आएगा कॉमन ड्राफ्टर ए, यानी ऑप्शन ए। और क्वेश्चन 8, ड्रायर आर इन वार्निश आर यूज्ड, यानी कि वार्निश ड्रायर में, ड्रायर है जो वार्निश में क्या काम करता है, तो एज ए डी इसमें है, तो ऑक्सीडाइजर। क्वेश्चन नंबर है 9, विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द बिलो शुड अवॉइडेड इन ब्रिक मेसनरी, यानी कि ब्रिक मेसनरी में क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ब्रिक मेसनरी में हमें वर्टिकल जॉइंट अवॉइड करना चाहिए, ये आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्प्रेड इज गिवन अंडर बेस ऑफ ए वॉल और कॉमन इज नॉन एज, तो उसमें सी रहेगा, ये फुटिंग। क्वेश्चन नंबर 12वां, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंटर ऑफ डैम्प इनटू ए बिल्डिंग टू कोर्स प्रोवाइड आर नॉन एज फालिजिया कोर्स, यानी कि बिल्डिंग में भेज को अंदर आने से कौन रोकता है, तो आंसर रहेगा डैम प्रूफिंग, ये डी वाला। और क्वेश्चन है 13, इन ट्रायंगुलेशन मेथड द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू। क्वेश्चन 14, द डायरेक्शन ऑफ लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन इज कॉल्ड, और इसमें आएगा बेरिंग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, प्लेन टेबल सर्वे इज एन मेथड इज एन खालिजिया मेथड, तो वो ग्राफिकल, प्लेन टेबल मेथड कौन सा मेथड है, तो ग्राफिकल, ये आंसर ए आएगा। 16, ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ऑप्शन ए आएगा, इनडायरेक्ट लेवलिंग। क्वेश्चन 18, थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, तो उसमें आंसर टी रहेगा, यानी कि थियोडोलाइट में से आप दोनों नाप सकेंगे, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। एंड क्वेश्चन है 19, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डोर इज, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है, तो वो है लीफ, ये सिंगल लीफ रूफ, यानी ऑप्शन सी आएगा। और विच इंसुलेटिंग मटेरियल। क्वेश्चन 21, द फर्स्ट स्टेप इन टोरिंग इज, तो ए आएगा टॉपिंग। क्वेश्चन 22, द वर्टिकल पोर्शन बिटवीन ईच ट्रेड ऑन स्टेयर इज कॉल्ड, आंसर डी आएगा, यानी कि राइजर, ये जो दो स्टेप के बीच का वर्टिकल पोर्शन है उसे राइजर कहते हैं। 23,
The space housing in the stair is called. यानी कि जहां हम स्टेयर दादर को बनाते हैं उस रूम को क्या कहते हैं, उसे स्टेयर केस कहते हैं। क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द बिलो रूफ टाइप कैन बी यूज फॉर 4.5 मीटर स्पान, यानी कि जहां 4.5 मीटर के स्पान के लिए कौन सा रूफ आप उपयोग करेंगे, तो उसमें आंसर आएगा ए, यानी कपल क्लोज रूफ। तो क्वेश्चन 25, ए टेलीस्कोप इज सेड टू बी इन्वर्टेड इफ इट्स, उसमें ऑप्शन ए आएगा, वर्टिकल सर्कल इज राइट एंड द बबल ऑफ द टेलीस्कोप इज डाउन, तो आप उल्टा कहेंगे। और 26 में द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स, यानी कि डॉटेड लाइन क्या दर्शाती है, तो जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें जो वो पदार्थ की लाइन पीछे वाली दिखती नहीं है उसे दर्शाने के लिए हम डॉटेड लाइन का उपयोग करते हैं, तो उस में ए आएगा ऑप्शन हिडन लाइन। क्वेश्चन 27 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज डिफाइंड एज एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 28, द आइसोमेट्रिक एक्सिस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट, यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सिस एक दोनों को 60 डिग्री बनाते हैं, आंसर ए आएगा। क्वेश्चन 29, विच ऑफ पेंसिल यूज फॉर ड्राइंग एरो हेड्स, यानी कि ड्राइंग का हेड बनाने, ड्राइंग में हम जो मेजरमेंट लाइन में एरो बनाते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा पेंसिल यूज करते हैं, तो उसमें 2A जाएगा। क्वेश्चन है 13, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एसेसिंग ए कैजुअलिटी, तो उसमें प्राइमरी सर्वे आएगा, ए आएगा। व्हेन परफॉर्मिंग कार्डियो पुलमरी रिजेक्शन बाय योरसेल्फ ऑफ एन एडल्ट, द करेक्ट रेशियो ऑफ कॉम्प्रेशन टू ब्रेथ इज, तो इसमें 32, यानी ये ऑप्शन ए रहेगा। 32, द एवरेज कंस्ट्रक्शन वर्कर। क्वेश्चन है 33, फॉर DPC प्लिंथ लेवल विच ग्रेड कॉन्क्रीट इज यूज, यानी कि DPC में कौन से ग्रेड का हम कॉन्क्रीट उपयोग करेंगे, तो 20 ग्रेड, यानी कि आंसर बी रहेगा। 34 है, विच ऑफ द बिलो शुड अवॉइडेड इन ब्रिक मेसनरी, यानी कि ब्रिक मेसनरी में हमको क्या अवॉइड करना चाहिए, उसका आंसर डी आएगा, वर्टिकल जॉइंट को अवॉइड करना चाहिए। और ये 35, द बॉन्ड विच कंटेन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड, तो इंग्लिश बॉन्ड, यानी कि इंग्लिश बॉन्ड का ये व्याख्या है। द फाउंडेशन आर, क्वेश्चन 36, फाउंडेशन आर वर प्लेस बिलो द ग्राउंड लेवल टू इंक्रीज, तो यानी कि हम फाउंडेशन क्यों बनाते हैं, तो स्ट्रेंथ वर्केबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इसके लिए बनाते हैं। क्वेश्चन है 37, ब्रिक कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसिटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज, यानी कि काला मिट्टी फाउंडेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है, तो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन है 38, अंडर रिम पाइल आर यूज इन विच टाइप ऑफ सॉइल, यानी कि हम अंडर रिम पाइल कौन सी मिट्टी में बनाएंगे, तो क्ले, आंसर ए आएगा। 39, द बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन, क्वेश्चन 40, गंटर चेन कंटेन खाली जिया लिंक, तो गंटर चेन में कितने लिंक होते हैं, तो 100, तो आंसर डी आएगा। क्वेश्चन 41, इन रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम बेयरिंग इज मेजर्ड
फ्रॉम खाली जगह टू खाली जगह, तो उसका है रेडियो स्पेयरिंग में हम नॉर्थ से साउथ तरफ का बेरिंग देखते हैं, तो आंसर ये आएगा 42 खाली जगह लाइन। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लान टेबल सर्वे, तो प्लान टेबल सर्वे में क्या डिसएडवांटेज है, तो उसमें हमको गैर फायदा ये है कि वो एक्यूरेट नहीं है। और 44, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ डूइंग डिसेक्शन, उसमें आंसर सी आएगा सॉल्विंग टू प्रॉब्लम। 45, इन खाली जगह लेवलिंग द फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आर एट द फार डिस्टेंस, तो फ्लाई लेवलिंग, इसमें आंसर ए रहेगा। 46, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस, इसमें आंसर ए रहेगा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। 48, which shaped line indicate presence of a ridge, उसमें ए रहेगा आंसर ऑप्शन ए वी शेप। थैंक यू और नमस्कार दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न पत्र जब भी ऑफ सेमेस्टर 4 का भी होगा, तब मिलते हैं बाद में। नमस्कार, थैंक यू।